हेलो एवरीवन, डीयू सेज स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी कोर्सेज बाय जुलाई एंड डिफ़िकल्ट। सो आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो डीयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक आ सकती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल हो सकती है। तो इसी का अपडेट इस वीडियो में आपको मिलने वाला है और ये बहुत बड़ी ही अपडेट है। तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जो लेटेस्ट अपडेट होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। सो आर्टिकल को हम एक बार देख लेते हैं, क्या है आर्टिकल में पूरा। डी यू हैड अर्लियर सेड इट वुड स्टार्ट रजिस्ट्रेशन टेंटेटिवली ऑन जुलाई 15, विच एवर लेट पोस्टपोन्ड to the end of July. However, Gupta told the Indian Express that even as the university want to start registration by July end, other consideration were making it difficult. So, पहले ही न्यूज़ आ रही थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको रिलीज़ कर दिए जाएंगे 15th ऑफ जुलाई के बाद, लेकिन आज 14th ऑफ जुलाई है तो अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं आया। तो मैं भी थोड़ा बहुत डिले हो सकता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। द एडमिशन कमेटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी DU विल मीट दिस वीक टू डिसाइड फाइनली ऑन द रजिस्ट्रेशन फॉर इट्स अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। चेयरपर्सन एडमिशन राजीव गुप्ता सैड DU हैज़ अर्लियर सैड इट वुड स्टार्ट रजिस्ट्रेशन tentatively on July 15, which were later postponed to the end of July. लेकिन 15th ऑफ जुलाई अगर नहीं होता है तो एंड ऑफ जुलाई तक जरूर हो जाएगा। However, Gupta told the Indian Express that even as the university wanted to start registration by July and other considerations were making it difficult. और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके कारण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है निकालने में डिफ़िकल्ट आ रहा है। लेकिन आप सभी को एक अपडेट के लिए मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो चेयरपर्सन है, एडमिशन चेयरपर्सन राजीव गुप्ता, उनका ये कहना है कि हमने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो पोर्टल की जो व्यवस्था होती है वो सारी अच्छे से कर ली है। जब भी एक अनाउंसमेंट होगा ऑफिशियली, वैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। आगे देख लेते हैं क्या है आर्टिकल में। वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ जुलाई, बट अनलेस वी गेट डेट्स फ्रॉम द NTA। लास्ट वीक ऑफ जुलाई का डेट था, लेकिन NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी वजह से थोड़ा बहुत डिले हो गया है। अब उसके वजह से क्या डिले हो गया है, इट विल बी साइटली डिफिकल्ट यस्टरडे द NTA हैज़ अनाउंस द नीट डेट्स। NTA ने अनाउंस कर दिया है नीट की डेट्स को, जो होपफुली वी विल सून गेट टू नो द डेट्स फ्रॉम DU एंट्रेंस टेस्ट टू सेड गुप्ता। तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि नीट डेट की एग्ज़ाम्स की डेट से जो है अनाउंस कर दिया गया है और ये करवाती है NTA, लेकिन वहाँ करवाएगी और हमें यहाँ DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी करवाना है। तो इस वजह से इसमें कहीं ना कहीं ये डिले की प्रॉब्लम आ रही है। सेट गुप्ता NTA कंडक्ट टेस्ट्स फॉर सम UG एंड PG कोर्सेज इन DU फॉर विच एडमिशन इज डन थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो भी UG और PG के कोर्सेज होते हैं, कुछ कोर्सेज वो सारे जो हैं तो एंट्रेंस बेस पे होते हैं जो कि NTA ही करवाती है। तो एक ही साथ में दो काम जो है NTA को सौंपना, ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ज़्यादा वर्क हो जाएगा NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए। शायद इस वजह से जो है एडमिशन में थोड़ा बहुत डिले हो रहा है DU के। वैसे अगर हम बात करें तो DU का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जल्द ही निकल सकता है। आप सभी तैयार रहिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर। गुप्ता सेड द DU एडमिशन कमेटी विल मीट दिस वीक विच विल गिव क्लियरिटी ओवर द स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आवर मीटिंग इज शेड्यूल फॉर July 15, बट वी माइट हैव टू पोस्टपोन, ही सेड। मीटिंग है 15 जुलाई को, तो जल्द फैसला लिया जा सकता है एडमिशन को लेकर DU के अंदर। DU हैज़ अर्लियर डिक्लेयर टेंटेटिव डेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन विद द एज्यूम्स दैट
अदर स्कूल्स बोर्ड वुड हैव डिक्लेयर देयर रिजल्ट्स बाय देम। ये पूरा आर्टिकल भी आप पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं।